तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीमन स्लेयर सीजन 4 के एपिसोड 3 में। और इसके पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलो देखते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें उजुई दिखाया जाता है, जो कि डीमन स्लेयर्स की स्टेमिना ट्रेनिंग को करवा रहा था, जिसमें सारी डीमन स्लेयर्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। लेकिन भाई ये तो सिर्फ बेसिक फिटनेस ट्रेनिंग थी, और जब तक ये लोग इस ट्रेनिंग को पास नहीं कर लेते तब तक ये लोग नेक्स्ट हसीरा के पास नहीं जा सकते। और उजुई ट्रेनिंग के समय बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी होता है, और उजुई ये कहता है कि अगर तुम यहाँ फेल हो गए तो तुम मित्सुरी और सानेमी की ट्रेनिंग को सर्वाइव नहीं कर पाओगे। और डीमन स्लेयर्स को ये ट्रेनिंग एकदम नर्क जैसी लग रही थी। और तांजिरो जब पूरी तरह ठीक हो जाता है तो वो भी इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लेता है उजुई के पास जाकर, और उजुई भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तांजिरो की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने एक और अपर मून को हरा दिया। उजुई अब तांजिरो को भी ट्रेनिंग करने के लिए कहता है, जिसमें तांजिरो को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। और उजुई की तीनों वाइफ सबके लिए खाना बना रही थी, और उजुई की तीनों वाइफ भी तांजिरो को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उजुई सभी स्लेयर से कहता है कि तुम सब पेट भरकर खाना खाना, क्योंकि अच्छे से खाना खाओगे तो अच्छे से ट्रेनिंग कर पाओगे, और जिसने भी खाना छोड़ा उसको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करने पड़ेगी। इसके बाद दो स्लेयर्स नाइट ड्यूटी पर पहरा देते हैं, और वो दोनों ये कहते हैं कि आजकल डीमन दिखना बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, शायद वो सब नजुको को ढूंढने में लगे हुए हैं। और फिर अचानक से इनमें से एक स्लेयर गायब हो जाता है, और इसे देखकर दूसरा स्लेयर बहुत ज्यादा डर जाता है। लेकिन वो दूसरा स्लेयर उसके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन तभी उन दोनों को एक पास की गली में से आवाज आती है, पर ये लोग इस पे ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी हमें गली के अंदर से एक डीमन की आंख दिखाई जाती है, जो कि इन दोनों स्लेयर्स का पीछा करने लगती है, और इस आंख पर लिखा था नंबर 4। और नेक्स्ट तांजिरो फिर से सबको पीछे छोड़ रहा था, जिसे देखकर बाकी स्लेयर्स बहुत ज्यादा हैरान थे। और तांजिरो इन सबको कहानी सुनाता है कि कैसे उसने एक अपर रैंक डीमन को हराया था। लेकिन यार तांजिरो की बातें किसी को भी समझ नहीं आती हैं। उजुई अब सभी से एक पहाड़ को चढ़ने और उतरने के लिए कहता है, और यही ट्रेनिंग आज की आखिरी ट्रेनिंग होगी, और जो भी स्लेयर लेट आएगा उसको डिनर नहीं मिलेगा। उसकी तीनों वाइफ्स तांजिरो के पास आकर ये कहती हैं कि बाहर से दिखने में उजुई जितने सख्त हैं, अंदर से उतने ही नरम हैं। और जब तक सारे स्लेयर्स लौटकर नहीं आते तब तक वो भी खुद खाना नहीं खाते हैं। एक दिन वो खुद पूरा पहाड़ चढ़ गए थे एक बचे हुए स्लेयर को लाने के लिए। उजुई वहां आकर कहता है कि मास्टर ने उस पर भरोसा किया है, और वो ऐसे इन स्लेयर्स को मरने तो नहीं देगा। और अब तांजिरो भी पहाड़ चढ़ने लगता है, और सोचता है कि सारे हशिराज दिल के कितने ज्यादा साफ होते हैं। फिर हम तांजिरो और ग्यू का ईटिंग कॉन्टेस्ट देखते हैं, जहाँ पर दोनों ने बहुत सारी प्लेट्स को साफ कर दिया था खाके। तांजिरो ने शर्त रखी थी कि अगर वो जीता तो ग्यू को हशिरा ट्रेनिंग में पार्ट लेना होगा, और ग्यू भी अब हशिरा ट्रेनिंग को ज्वाइन करना चाहता था। तो वो जानबूझकर कम खाना खाता है और तांजिरो को जीतने देता है। और फिर उसके बाद हमें ओबनाय और सानेमी दिखाए जाते हैं, जो कि एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो लोग इन्हें ट्रेन तो कर रहे हैं, लेकिन अपर रैंक के खिलाफ ये लोग कुछ भी काम नहीं आने वाले, लेकिन मास्टर की यही इच्छा थी तो हम इसे पूरा कर रहे हैं। और दोनों को वो इन्फिनिटी कैसल वाली बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी कि वो जगह आखिर क्या थी, और इतने सारे डीमंस एकदम से कहां गायब हो गए, और अगर वो डीमंस के छुपने वाली जगह है तो वो इन्हें पता कैसे नहीं। सानेमी कहता है कि मैं उस जंगल में कई बार गया हूँ, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। और फिर ओबनाय कहता है कि ठीक उसी टाइम से बाकी सब डीमंस भी दिखना बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, और जाहिर सी बात है कि उन सब का टारगेट नजुको है, और बहुत ही जल्दी कुछ बड़ा होने वाला है। फिर सानेमी कहता है कि मेरे सामने चाहे कोई भी आ जाए, मैं उसे अकेला ही खत्म कर दूंगा। ओबनाय कहता है कि डीमन स्लेयर कॉप के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है, और हशिरा ट्रेनिंग की वजह से उसका दिमाग भटकता रहता है, लेकिन अंदर से वो आने वाले खतरे के बारे में सोचता है। इसके बाद फिर ओबनाय और सानेमी एक दूसरे से लड़ने की बात करते हैं, जिससे इन दोनों की भी ट्रेनिंग हो जाए। और इधर तांजिरो उजुई की वाइफ के साथ किचन में घुसा हुआ है, और ये तीनों तांजिरो को थैंक यू भी कहती हैं एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आत्मा उनकी हेल्प करने के लिए। फिर तांजिरो कहता है कि वो अकेला थोड़ी ना था। हिनात्सुरु कहती है कि तांजिरो नजुको जेनित्सु इनोस्के और उजुई अगर इनमें से कोई एक भी कम होता तो शायद ये सुबह का सूरज ना देख पाते, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। और उसे यकीन है कि उजुई अब भी लड़ना चाहते हैं। वो अक्सर ही नींद में बोलने लगते हैं और रिटायर होने के लिए खुद को ही कोसते हैं। और आखिर में तांजिरो से बोलती हैं कि तुम मुजान किप्सो जी को जरूर हरा देना। इसके बाद उजुई स्लेयर से कहता है तो आज सभी स्पेशल ट्रेनिंग करेंगे, जिससे उन्हें असली लड़ाई का एक्सपीरियंस होगा। इसके बाद वो सभी को पहाड़ पर ले जाता है, और तब तक अंधेरा हो चुका था, और क्योंकि डीमंस रात में ही आते हैं तो इन्हें अंधेरे में लड़ना सीखना होगा। तो उजुई अब इन सबके लिए एक डीमन है, तो अब इन सबको उससे बचना होगा, और तांजिरो का काम होगा सभी को प्रोटेक्ट करते हुए उजुई को हराना। और उजुई अब चुपके से इन सब पर अटैक करने लगता है, लेकिन यहाँ पर किसी को भी वो दिख तक नहीं रहा था। और उजुई यार आखिरकार एक निंजा है, तो तांजिरो भी उसे सेंस नहीं कर पा रहा था। उजुई अब खुद उनके सामने आता है, और एक स्लेयर डरते हुए कहता है कि ये नामुमकिन है, वो एक हसीरा को नहीं हरा सकते। उजुई उस स्लेयर को मारते हुए कहता है कि क्या तुम डीमन से भी यही कहोगे। तांजिरो अब सभी स्लेयर्स को एक साथ होने के लिए कहता है, और खुद उजुई से लड़ने लगता है। सिर्फ एक हाथ होते हुए भी उजुई बहुत ज्यादा पावरफुल था, और फिर दोनों में लड़ाई होने लगती है। और उजुई ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है कि तांजिरो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया था, और अब ये देखकर बाकी स्लेयर्स को भी और जोश आ जाता है।
जाता है और अब ये सब लोग मिलकर उजुई पर अटैक करते हैं और ट्रेनिंग के बाद और सभी को डांट लगाते हुए कहता है कि तुम लोग एक रिटायर हशिरा से भी नहीं जीत पाए। और सभी स्लेयर्स कहते हैं कि उन्हें पूरा बिलीव है कि तांजिरो और बाकी हशिराज मिलकर अपर रैंक्स और मुजान को मार देंगे और उनके इस काम में वो जितना हो सके उतनी हेल्प करेंगे और इसके लिए वो कड़ी मेहनत कर और ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। और ये सुनने के बाद उजुई काफी ज्यादा खुश होता है और उसके 10 दिन बाद तांजिरो इस स्टेमिना ट्रेनिंग को पास कर लेता है। फिर उजुई तांजिरो से कहता है कि तुम अब नेक्स्ट ट्रेनिंग पर जा सकते हो और हमने अपर रैंक्स को तो हरा दिया, लेकिन ये सब तभी खत्म होगा जब हम मुजान के बिस्सुजी को हराएंगे। और ये काम उजुई तांजिरो के भरोसे छोड़ता है और तांजिरो कहता है कि वो मुजान को जरूर हरा देगा। और अब तांजिरो इन सबको गुड बाय और थैंक यू कहकर चला जाता है। अपने क्रो का पीछा करते हुए तांजिरो पहुंच जाता है म्यूचिरो के पास और देखता है कि म्यूचिरो और भी ज्यादा सख्ती से ट्रेनिंग दे रहा है। और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।